नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत में हम तीसरी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत में हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार किशोरों के सामने समसामयिक या ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कल आप इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार सहपाठी का दबाव होता है और उस सहपाठी के दबाव में शिक्षक अपनी किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसी कड़ी में आज हम, क्योंकि वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है और मानव का स्वभाव एक दूसरे से प्रतियोगिता करना है, और प्रतियोगिता के युग में और प्रतियोगिता के भाव से ही समाज का विकास संभव है। क्योंकि यदि हमारे में अंदर प्रतियोगिता के भाव नहीं होंगे तो हम अपने कार्य में संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्ट रहने के बाद में भी हम कोई उसमें प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए प्रतियोगिता के द्वारा समाज, मनुष्य समाज में प्रगति और समाज की उन्नति संभव है। इसलिए समाज के लिए प्रतियोगिता एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रतियोगिता में उस बालक की, उस किशोर की सफलता और असफलता, अब उसका सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों प्रकार की जब उसके सामने आते हैं, जब उसको सकारात्मक पक्ष में उसको सफलता मिल जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, उस बालक की समाज में और विद्यालय में और परिवार में क्या होती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लेकिन इसी के साथ में यदि वह असफल हो जाता है तो उसकी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा क्षीण हो जाती है। अतः वह बालक यदि उसको पॉजिटिव रूप में नहीं लेता है, नेगेटिव रूप में लेता है, तो वह समाज के लिए घातक हो जाता है। अतः आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सहपाठी दबाव। सहपाठी दबाव में हमने देखा था किस प्रकार सहपाठी दबाव डालते, अब ये सहपाठी दबाव के साथ बाद में हम आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है प्रतियोगिता। आज आप एक प्रतियोगिता पास करके बीएड करने के लिए आए, और जब बीएड करने आए तो अब यहाँ से जब अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे तो आपको इस समाज की सेवा के लिए आगे जाना है, और जब समाज की सेवा के लिए आप बाहर निकलेंगे तो उसके बाद में आप किस प्रकार उसका सामना कर पाते हैं, तो समाज में कई तरह के लोग मिलेंगे आपको, और कई तरह के लोग मिलने के बाद में क्या करोगे आप, क्या करोगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। क्योंकि इसके बाद में यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो एक और कंपटीशन देना है, और प्रतियोगिता इतनी कठिन होती जा रही है, दिन दो दिन प्रतियोगिता का स्तर उच्चतम होता जा रहा है, लेकिन प्रतियोगिता बहुत कठिन हो रही है, और उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। और इसके लिए हमें पहली बात, हमें अपने संवेगों पर अंकुश रखना चाहिए, और संवेगों पर अंकुश रखने के साथ में ही हमें ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए कि हमें प्रतियोगिता में सफल होना है, तो उसके लिए ईमानदारी वाले सहायक सामग्री का प्रयोग करें। कभी कभी हम सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे बाद में हमको भुगतना पड़ता है। एक धावक है, दौड़ने वाला खिलाड़ी है, और वह उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए मादक पदार्थ का सेवन कर लेता है। हो सकता है कि वह उस प्रतियोगिता में सफल हो जाए, लेकिन जब आगे की प्रतियोगिता में जाएगा तब इसके टेस्ट होते हैं, और जब टेस्ट होंगे तो वह उस टेस्ट में सफल नहीं हो पाएगा, वह मादक पदार्थ के सेवन के अंतर्गत आ जाएगा और वह बदनाम हो जाएगा। तो अतः हमें अनैतिक तरीकों से
जैसे कि आप भी, आप लोग भी क्या करते हैं परीक्षा में जाने से पूर्व अच्छी तैयारी करते हैं, और अच्छी तैयारी के साथ में कुछ बालक ऐसे भी होते हैं परीक्षा में चिट ले जाते हैं, ठीक है ना, और चिट ले जाते हैं और उसका संयोग ऐसा हो जाता है कि उस दिन चिट ले गया और उस दिन फ्लाइंग नहीं आई और वह बच्चा लिख के आ गया, उससे उसको प्रोत्साहन मिल गया, ठीक है ना, प्रोत्साहन मिल गया, लेकिन जिस दिन ले गया और उस दिन उसको सर ने पकड़ लिया और उसको रेस्टिगेट कर दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा भविष्य अंधकार में हो सकता है। तो इसलिए प्रतियोगिता के दबाव को आपको सकारात्मक रूप में लेना है, हम सफल होते हैं या असफल होते हैं, और हमें किसी दूसरे बालक से भी इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, प्रतियोगिता के लिए अध्यापक, सहपाठी और अभिभावक, इन सब का दबाव होता है, नहीं भाई ये टीना बहुत होशियार है, सुरेखा होशियार है, सुरेखा फर्स्ट आनी चाहिए, ठीक है ना, इसके लगभग 10-15 साथी भी इसके ऊपर दबाव डाल रहे, नहीं तू तेरे को फर्स्ट आना है, ठीक है ना, वो लड़की फर्स्ट नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार घर जाती है तो घर पे भी परिवार वाले कहते हैं देख मैं तेरे लिए इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ और तेरे को फर्स्ट डिवीज़न पास होना है, महाविद्यालय टॉप करना है, कक्षा में प्रथम आना है, और शिक्षक, शिक्षक भी उससे अपेक्षा है करता है और शिक्षक भी कहता है तेरे को किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है मैं करूँगा, लेकिन तेरे को क्लास में टॉप आना है। तो इस प्रकार के जब विचार होते हैं तो उस वह बालक पर दबाव का काम करता है, और जब बालक सफल हो जाता है तो सब लोग उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, और जब बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, और इसके साथ में वह समाज के हित में कार्य करता है, लेकिन जब असफल हो जाता है तो सब लोग उसको संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तो इसी समय शिक्षक और अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक की भूमिका यह रहती है कि बालक को स्वच्छ प्रतियोगिता के लिए तैयार करें, यानी वह किसी दबाव का अनुभव ना करें, और यदि किसी कारण से वह असफल हो जाता है तो उसको सकारात्मक सोच के साथ में उसको बताएं कि तुमने यहाँ गलती की, अगली बार तू अच्छा करेगा तो अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार और सभी बच्चों के साथ में समानता का व्यवहार करें और सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इस प्रकार सदैव और बालकों में चिंतन का दृष्टिकोण और उसकी शिक्षकों को उनकी उस बालक की योग्यता के अनुसार उसको कार्य देना चाहिए, और अभिभावक को भी उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार ही उससे डिमांड रखनी चाहिए, यानी जो आवश्यकता है, योग्यता है, उसके आधार पे ही बालक वह कार्य कर सकेगा। तो इससे यदि ऐसा होगा और जब बालक असफल हो जाता है तो आप उसको आत्मबल दीजिए, उसको कहिए अगली बार में आप और मेहनत कीजिए, और इस जैसे कि अभी 5 घंटे पढ़े और अगले साल आप 6 घंटे पढ़िए, उसको समय हर वस्तु का सकारात्मक सोच के साथ में उसको आत्मबल देना, ताकि उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, और असफलता के समय बालक के साथ में आपका सकारात्मक दृष्टिकोण उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक प्रतियोगिता का दबाव यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।